बकरी का अपराध। महाराज कृष्णदेव राय को पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। उनके राज्य में पेड़ पौधों की कमी नहीं थी। एक बार महाराजा कश्मीर यात्रा पर गए, वहां उन्होंने बहुत सुंदर फूल वाले पौधों के बगीचे देखे। उनमें से एक सुनहरे फूल वाला पौधा उन्हें बहुत पसंद आया और उसे वे अपने साथ विजयनगर ले आए। उन्होंने अपने माली को बुलाया और वह सुनहरे फूल वाला पौधा देते हुए कहा, इसे ले जाकर हमारे बगीचे में ऐसी जगह लगाना जो हमारे कक्ष की खिड़की के ठीक सामने हो। एक बात मत भूलना, इसकी देखभाल जी जान से करना। अगर यह पौधा नहीं रहा तो तुम भी नहीं रहोगे। महाराज की आज्ञा पाकर माली पौधा लेकर चला गया। राजा के आदेश के अनुसार उसने उस पौधे को महाराजा की खिड़की के ठीक सामने लगा दिया। वह उस पौधे की देखभाल जी जान से करता, क्योंकि उसकी जान उस पौधे के साथ जुड़ी थी। महाराजा कृष्णदेव राय सुबह शाम अपने महल से उसे देखते। वे माली की मेहनत से प्रसन्न थे। एक दिन महाराजा कृष्णदेव राय जब सोकर उठे और खिड़की खोली तो हैरान रह गए, क्योंकि सुनहरे फूल का पौधा अपनी जगह नहीं था। उन्होंने फौरन माली को बुलवाया। माली डर के कारण थर थर कांप रहा था। वह डरते डरते दरबार में हाजिर हुआ। महाराजा बहुत नाराज थे। उन्होंने उससे पूछा, पौधा कहाँ है? वह कांपते हुए बोला, महाराज उसे तो मेरी बकरी खा गई। यह सुनते ही महाराजा आग बबूला हो गए और माली को मृत्यु दंड देने का आदेश दे दिया। जब माली की पत्नी को यह पता चला तो वह रोती बिलखती हुई महाराजा के पास आई, लेकिन उन्होंने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। माली की पत्नी तेनालीराम के घर पहुंची और उनके पैरों में गिरकर अपने पति को बचाने की गुहार लगाने लगी। तेनालीराम ने उसे उठाकर बिठाया और उससे पूरी बात पूछी। माली की बात सुनकर तेनालीराम ने उसके कान में कुछ कहा और समझा कर घर वापस भेज दिया। अगले दिन विजयनगर में हंगामा मच गया। माली की बीवी नगर के हर चौराहे पर जाती और बीच में खूंटा गाड़कर एक मजबूत रस्सी से बकरी को बांधकर बड़ी क्रूरता से उसकी पिटाई करती। विजयनगर में जानवरों को निर्दयता से पीटना एक जघन्य अपराध था। जब इस बात की खबर नगर कोतवाल को लगी तो उसने बकरी और मालिन को पकड़कर महाराजा के सामने पेश किया। महाराजा ने मालिन से पूछा, तुम इस बेजुबान जानवर को बुरी तरह क्यों पीट रही थी? मालिन बोली, अन्नदाता, यह वही बकरी है जिसने आपके सुनहरे फूल का पौधा खाया है। इसने बहुत बड़ा अपराध किया है। इसने आपके आदेश की अवहेलना की है, इसलिए इसे दंड मिलना जरूरी है। इसके अपराध की वजह से मैं विधवा और मेरे बच्चे अनाथ हो रहे हैं। आप इतने न्यायप्रिय राजा हैं, आपके राज्य में एक अपराधी कैसे खुला घूम सकता है? इसे दंड मिलना ही चाहिए। मालिन की बात सुनकर महाराजा बोले, अच्छा तो यह वही बकरी है जिसने पौधा खाया था। महाराज की समझ में सब कुछ आ गया, लेकिन वह समझ नहीं पा रहे थे कि मालिन में इतनी बुद्धि कहां से आई। महाराजा ने मालिन से कहा, ठीक है, हम तुम्हारे पति को माफ कर देंगे, लेकिन तुम्हें यह बताना होगा कि तुमने यह सब किसके कहने पर किया है। मालिन बोली, महाराज तेनालीराम की सलाह पर मैंने यह सब किया है। महाराजा बोले, अच्छा तेनालीराम? महाराजा ने तेनालीराम से कहा, तुम अलग अलग उपाय करके हमारे गलत निर्णयों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हो।
हम प्रसन्न हुए। महाराजा कृष्णदेव राय ने खुश होकर माली को माफ कर दिया और तेनालीराम को यह सब करने के लिए पुरस्कार देने की घोषणा की।